नकली मावा के खिलाफ कार्रवाई करते अधिकारी रीको स्थित दो बेनामी इकाइयों में बन रहा 500 किलोग्राम से अधिक नकली मावा, घी व सोन पपड़ी कराई नष्ट। धौलपुर की प्रमुख खबर। रसूखदारों की एक भी इकाई में नहीं झांके अधिकारी। औद्योगिक क्षेत्र खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य वस्तुओं के नकली उत्पादन का गढ़ बन गया है। शुक्रवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए दो बेनामी इकाइयों में अचानक छापा मार मिलावटी मावे, घी व सोन पपड़ी के नमूने लिए गए और 500 किलोग्राम से अधिक मावा व घी नष्ट कराया गया। कार्रवाई का नेतृत्व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चेतराम मीणा ने किया। उनके साथ कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी समीक्षा दिनकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह, कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए सदर पुलिस थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक व कांस्टेबल भी मौजूद थे। मौके से मिली जानकारी के अनुसार किसी जैन व त्यागी द्वारा संचालित बेनामी दो इकाइयों में मावा, घी व सोन पपड़ी बनाने की दर्जनों भट्टियां चल रही थीं और वायरल चलाने के लिए कई क्विंटल जलाऊ लकड़ियां पड़ी थीं। इकाइयों में लकड़ियां कहां से और किससे खरीदी कोई इंद्राज नहीं था। संपूर्ण जिले में बड़ी मात्रा में नकली मावा बनाया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इसे लेकर केवल खाना पूर्ति करते हैं। ऊंची पहुंच वाले लोगों के कारखानों पर छापा डालने की हिम्मत किसी भी नहीं है। यही है धौलपुर की कहानी। रिपोर्टर रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व में ज्योति और उजाले का ये सबसे और सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना का ये त्योहार दीपावली सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को और भारतवासियों को और जगत कल्याण करने हेतु समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को, भाइयों को, बन्नों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शांतिमयपूर्ण ढंग से दीपावली मनाएंगे। साथ ही साथ ये निवेदन है कि ऐसे अवसर पर बहुत ही सद्भावना और शांति से हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। अवैध हथियार के साथ एक जघन्य अपराधी गिरफ्तार। सर्वथा की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं बचन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व राजेश कुमार चौधरी उप पुलिस अधीक्षक सर्वथा के निकटतम सुपरविजन में सर्वथा थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना सर्वथा द्वारा अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जघन्य अपराधी हैदर अली उर्फ हैदर खां, पुत्र पप्पू खां, जाति मुसलमान, उम्र 20 साल, निवासी सतीका चौक सर्वथा थाना सर्वथा को अवैध कट्टा 315 बोर मैं एक जिंदा कारतूस के लेकर घूमते सतीका चौक सर्वथा से किया गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के साथ होतम सिंह, एएसआई जसवंत सिंह, गोपाल सिंह, संदीप शर्मा कांस्टेबल शामिल रहे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर एवं पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सर्वथा पुलिस ने कल दिनांक 22/10/2022 को सती चौक थाना सर्वथा इलाके से थाना राजा के नामित जघन्य अपराधी हैदर अली उर्फ हैदर खां, पुत्र श्री पप्पू खां, निवासी सती का चौक थाना सर्वथा को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक
जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम आपराधिक किस्म का है जो किसी न किसी वारदात की फिराक में वहां घूमते हुए पाया गया। सूचना पर मुखबिर की सूचना पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व से ही थाना हाजा पर करीब 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो विभिन्न गंभीर धाराओं में लूट, चोरी एवं बलात्कार जैसी पॉक्सो जैसी धाराओं का गंभीर अपराध है। मुलजिम से अन्य वारदातों में और हथियार के संबंध में पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। एक्सीलेंट स्कूल में प्रतियोगिताएं आयोजित, धौलपुर की प्रमुख खबर। एक्सीलेंट कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग, मेहंदी और दीपक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक्सीलेंट स्कूल में प्रतियोगिता में मेहंदी में रावी जाट ने प्रथम, अनन्या मंगोल ने द्वितीय तथा अनुष्का शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और ड्राइंग प्रतियोगिता में गरिमा बैरवा ने प्रथम, वंशिका ने द्वितीय तथा अभय सिसोदिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार दीपक प्रतियोगिता में आशी कुशवा ने प्रथम स्थान, अदिति शाक्य ने द्वितीय स्थान और दीक्षा तोमर व चारू सिंघल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एक्सीलेंट स्कूल में प्रतियोगिता के निर्णायक शैलेंद्र कुमार शर्मा, दीप्ति परमार तथा पूजा सिंघल आदि रहे। एक्सीलेंट स्कूल में प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए सभी छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य बेबी राजा राणा व निदेशक लोकेंद्र सिंह राणा ने पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में लकी राणा, रूबी यादव, माधुरी शर्मा और रमन सर आदि स्टाफ मौजूद रहे। निदेशक राणा ने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिताओं का समापन किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में संपूर्ण जिले में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था, धौलपुर सरमथरा की प्रमुख खबर। दीपावली के पर्व पर सुरक्षा कानून सुनिश्चित करने हेतु महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह के आदेशानुसार आंगई चौकी पर सशस्त्र नाकाबंदी की जा रही है। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम के द्वारा बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेटिंग व्यवस्था की गई, साथ ही संपूर्ण कस्बा में लगातार गश्त की जा रही है। इसी प्रकार बसेड़ी थाना पुलिस मुख्य बाजार कस्बा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाकेबंदी एवं गश्त करने में जुटे हुए हैं। संपूर्ण जिले की पुलिस लगातार गश्त नाकाबंदी कर दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में जुटी हुई है। दीपावली के अवसर पर टाइगर क्लब द्वारा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का किया सम्मान, भरतपुर की प्रमुख खबर। जयशंकर टाइगर जूडो कराटे शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान किला भरतपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्री ब्राह्मण सभा भरतपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में रंजीत नगर स्थित कार्यालय पर संस्था के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यों ने डॉक्टर सुभाष गर्ग आयुर्वेदिक एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की एवं माला, साफा एवं टाइगर क्लब का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। क्लब के सचिव इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर ने बताया कि भरतपुर के विधायक एवं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा टाइगर क्लब के लिए विशेष सराहनीय रहा है। शुभकामना एवं सम्मान कार्यक्रम में कौशलेश शर्मा, कराटे संघ के विष्णुदत्त शर्मा, ई पीयूष जयशंकर टाइगर, समता आंदोलन जिला अध्यक्ष केदार पाराशर, श्री ब्राह्मण सेवा समिति वरिष्ठ सदस्य पंडित बनवारीलाल शर्मा, व्याख्याता बाबूलाल कटारा, मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जिला महामंत्री राजेंद्र भारद्वाज, बांके बिहारी संस्था उपाध्यक्ष हरिगोविंद मिश्रा, पूर्व विधायक आरपी शर्मा के निजी सचिव हरेंद्र थपलियाल, पूर्व वीडियो इंजीनियर राजेंद्र दंडोतिया, वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश शर्मा जघीना, वरिष्ठ समाज सेवी एवं उद्योगपति राकेश लवानिया, श्री ब्राह्मण सभा भरतपुर के उपमंत्री अखिल लवानिया, प्रिंसिपल सुभाष पाराशर एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने मंत्री जी को दीप उत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तस्वीर दे देना यार, विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, घटना वाले बाबूलाल जी टाइगर पुरुष में एक दिन आपको बुलाना चाहते हैं, बच्चों का प्रदर्शन कराना चाहते हैं आपको, और उसका उद्धार आपने कर दिया टाइगर पुरुष।
बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहो, सुख रहो, सब ठीक है। दिवाली की आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार, दीपों का उत्सव, जब दिए जलाकर हम सभी अपने घर को रोशन करते हैं, परंतु परमात्मा हमसे कहते हैं कि अपने आत्मा की ज्योति को अगर हम जगाते हैं तो हमारे जीवन में सदैव रोशनी रहती है। तो एक दिन की दिवाली नहीं, हम सदा की दिवाली मनाएं और अपने जीवन में आत्मा की ज्योति को जगाएं। आत्मा का दिया जगता है तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश उज्ज्वल होता है। ऐसे प्रकाश से हमारे जीवन की खुशहाली, समृद्धि और सुख निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। ऐसी ही शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। ओम शांति। पाँच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर ग्राम पंचायत के लोगों व जिलेवासियों को और मित्रों शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत नकटपुरा सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र कुशवाहा की ओर से Thank you.